ऊपर से ना कोई तो चूतिया है। अभी कौन सी गाली में दूं, पान खा खा के थूक दिया है। ऐसे चूतिये लोग रहते ना, देखिए दिन क्या क्या खाएगा मेरा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज आप लोगों के प्यारे राहुल भाई का है जन्मदिन। आज है तेरा जन्मदिन, जन्मदिन, जन्मदिन। और ये महाशय उठने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग सुबह रेडी हो गए, नहा धो के, नहाना वाना नहीं है। पर देखिए मैसेजेस आ रहे हैं भाई, उसका रिप्लाई हो रहा है। मम्मी फोन की थी सुबह 7 बजे, मम्मी से बात कर लो। मम्मी आज इस बार गाँव में बेचारा, मम्मी के बगैर ही बर्थडे मनाएगा। इस बार मेरी भी मम्मी गाँव में थी, इसकी भी मम्मी गाँव में। वाह क्या संजोग है। हैप्पी बर्थडे सोनू दीदी। कल रात से विश किए जा रही है। तो सुबह भी फोन की थी, तुम सोए थे ना तभी, और फोन करके सीधा बोलती हैप्पी बर्थडे राहुल भैया। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू बाबू। हैप्पी बर्थडे टू मम्मी, थैंक यू मम्मी। 7 बजे फोन कर रहे, पापा रहे तब पर चुसु कर रहा है। हाँ आता लिया आया, हाँ लिया आया आटा, हाँ लिया आया आटा। ये बड़ा हंसा था यार, तो आप दुला ही नहीं का दिन बर्थडे के दिन आटा धोवा था इन तक के आटा धोई बर्थडे के दिन। एकदम सही मम्मी। हाँ मम्मी, घर में रह के भी बताओ, मुंह से नहीं बुला रहा है हैप्पी बर्थडे, स्टेटस पे लगा रहा है हैप्पी बर्थडे। क्या मतलब ऐसा हैप्पी बर्थडे? यही है वो बेशरम लड़की जो घर में किसी को बर्थडे विश नहीं करती, बोलती स्टेटस पे लगा दिया, देख लो, देख लो स्टेटस पे रख दिया, देख लो। तो अभी मम्मी से बात हो गई, अभी मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। अरे मेरी मम्मी कैसे बदल गई। नमस्ते जीजू, जीजू यही है बाजू में। अरे जीजू शर्मा रहे तुम्हारे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। और इधर बारिश हाँ, बाहर आराम से निकलना, बिछलना उछलना नहीं करता। इधर अभी मेरी दी फोन की है गांव से हैप्पी बर्थडे विश करने। देखिए दिन क्या क्या खाएगा मेरा बहू, क्या क्या खाएगा बताओ। इसका 12 बजे सुबह होता है, और एक ही बार मतलब सुबह उठेगा और एक ही बार ब्रेकफास्ट भी और लंच भी। राशन बहुत बचाता है घर का। आम का सीजन जाने के बाद आम खवाई हो रहा है, बताओ कैसा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। आम है ना भाई, सुपर है, मस्त मजेदार है। की अमीफा, की अमीफा, मीफा, कीफा, दीफा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस, बाप रे काफी धूप है। हम लोग सोच रहे हैं अभी कि मंदिर जाते हैं। अभी मंदिर के पहले एक चीज दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, मतलब ये गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्किंग के लिए लगाई थी, और यहाँ से ऊपर से ना कोई तो चूतिया है। अभी कौन सी गाली में दूँ, पान खा खा के थूक दिया है। ऐसे चूतिये लोग रहते ना। वैसे यूजुअली मैं इधर गाड़ी लगाता नहीं हूँ, यहाँ पे हमेशा अंदर लगाता हूँ, लेकिन अंदर ना गाड़ी पता नहीं कौन से जमाने से सब गाड़ी लगी रहती है, कभी निकलती ही नहीं है। अभी इसको धुलाना पड़ेगा। बर्थडे के दिन इसको मिला है सरप्राइज। राहुल ऊपर ही देख रहा है, उसको बहुत गुस्सा है। पान नहीं है, पान नहीं, अभी डिटेल में देख रहा है वो चीज को। तो ऐसा लग रहा है सब्जी है, सांबर ऐसे फेंका है ऊपर से खाना। मतलब खुद के घर में कचरे का डब्बा रखो ना, इतना सोसाइटी के लिए रखा है, स्वीपर रखा है बेचारा, सुबह से लेके रात तक झाड़ू मारता रहता है। लोग ऊपर से ही नीचे कचरा फेंक, मतलब क्या सोच के फेंकते हैं। कौन आया? अरे कौन आया? कम से कम 10-15 बार फोन करके हैप्पी बर्थडे राहुल भैया, हैप्पी बर्थडे राहुल भैया। अब बोल, बोलना। ओहो, ये देखो इधर राहुल के लिए आया है केक, क्या बात है। हैप्पी बर्थडे राहुल, राहुल हैप्पी बर्थडे डियर राहुल। ओहो क्या बात है, खा ले खा ले खा ले। अरे यार कितना डरती है, ऐसे केक खाई है जैसे दाल चावल खाई हो। अभी गाड़ी कैसी हो गई है, इसको धुलाने लाए। पान है कि क्या खा के थूका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम बेकार हालत कर दिया, मतलब कोई सेंस नहीं है इस चीज का। पूरी टाकी पे व्हाइट व्हाइट टाकी गंदी हो गई। पहले अभी तो सुनीता को उसके घर छोड़ दिया, और मैं आया यहाँ पे गाड़ी धुलाने, और गाड़ी का कुछ काम है वो सब करवाऊंगा। तो यहाँ पे पहले गाड़ी धुला दूं, और बेकार हालत में, मतलब
किसी के बाजू से ले जाने के मन नहीं करता, किसी के बाजू से ले जाने के लिए लिटरली लोग देखते ना तो मुझे ऑकवर्ड फील होता है, मतलब क्या गाड़ी का हालत कर दिया है। अभी डीजल वॉश हो रही है अपनी गाड़ी पूरी, देखो कितनी धूल मिट्टी सब निकल रहा है इसमें से, एकदम टकाटक हो गई है, चकाचक रेडी। टायर पे ये लगा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का स्टिकर आएगा जो ऐसे रिंग जैसा रहेगा पूरे टायर पे दोनों आगे पीछे, तो ऐसा अच्छा लगेगा, ब्लैक ब्लैक है। ठीक है ट्राई करते कुछ यूनिक, पहली बार लगा रहा हूँ। मुझे लगा ये नेम का काम ना बहुत इजी और फटाफट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नौशाद भाई लगे हुए भाई कभी से, मुझे लगा कि 10-15 मिनट का काम है, लिटरली बहुत टाइम चले गया इसमें। तो अभी ये देखो सारा बन के रेडी है अपना नेम, अभी बाइक पे लगाते हुए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो वेल भाई मैं आया था 3 बजे और बज गए 7, अभी काफी ज्यादा लेट हो गया है, मैं निकलता हूँ जल्दी जल्दी, अभी सुनीता को पिकअप करता हूँ फिर उसके बाद घर के लिए जाता हूँ, काफी लेट हो गया निकलो। तो यहाँ पे ये नाम लग गया है, ये अपने गाड़ी का नाम अपने स्काई रख दिया है, क्योंकि ये स्काई मेरे डैड का नाम है, इसके लिए मैंने सोचा कि उन्हीं के नाम पे रख दिया जाएगा, स्काई और बादल दोनों एक ही है, कुछ भी बुला लो। साइड पे भी देखो लोगो लगा दिया है। सो ये सारा काम थोड़ा सस्ते में होता है क्योंकि सारे अपने पहचान के लोग हैं। काफी ज्यादा लेट हुआ है मुझे कसम से, और भूख प्यास बहुत लगी हुई है। और एक ये लिया है चेन ल्यूब मोटूल का, क्योंकि ये जो चेन होता है कहाँ करे, चेन इधर होता है, तो चेन होता है ना सूख जाता है, तो उसके लिए स्प्रे लिया हुआ है ताकि ल्यूब और चेन अच्छे से स्मूथली चलता रहे और ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना हो। मैडम इसका रिएक्शन देखते हैं, हैप्पी बर्थडे, कितना थक गया यार, बहुत काम ही कर रहा है बस। देख देख क्या क्या बना है, पहले पानी पीता हूँ, प्यास लगा भाई। क्या तो सांबर में, चावल में से सांबर निकल गया। हाँ सांबर निकाल दिया, पूरा गंदा कर दिया। बादल तो ये यहाँ पे ये दोनों हेलमेट में से कौन सा गाड़ी पे अच्छा लग रहा है वो देखने के लिए है। गाड़ी के साथ तो हाँ, गाड़ी के साथ वो अच्छा लग रहा है, बट ये तो कोई भी गाड़ी के साथ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने ये हेलमेट डिसाइड किया और ले लिया नासिर भाई के यहाँ से। सो नासिर भाई का शॉप ग्रैंड रोड पे, समवन वांट टू विजिट यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारे चाचा जी है, चाचा जी का यहाँ पे गैरेज है, तो इन्हीं के पास से गाड़ी बनती है अपनी। रही नासिर भाई की दुकान एशियन यहाँ पे, और हम लोग निकलते चले, लेट हो रहा है, काफी ज्यादा लेट हो गया है। बर्थडे बॉय खुद अपना बर्थडे केक लेने आया, ऑलरेडी एक केक काट चुका है, फ्रेंड्स लोग के साथ काटेगा, बट घर पे काटना बहुत जरूरी है। सारा दुनिया का बोझ उठा के चल रही है। ये देखो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक हेलमेट होते हुए दूसरा हेलमेट क्यों, तो आप लोगों को बता दूं कि महाराष्ट्र में रूल हो गया है कि जो पिलियन बैठेगा उसे भाई कंपलसरी हेलमेट पहनना, नहीं तो 500 रुपए फाइन और लाइसेंस बैन अलग से, कितने 5 महीने के लिए। निकाले क्योंकि हमारे ब्लॉग्स में से महाराष्ट्र की सारी जनता ने देखा है कि मेरे को हेलमेट नहीं पहनना है, इसके लिए तो हेलमेट ले लिया। वैसे भी सेफ्टी है, सेफ्टी है, 9 जून से लगेगा, 9 जून से पहले एक सेफ्टी भी प्रिकॉशन है कि भाई चलो इसको पहन ले। देखो इसको, देखो इसको, देखो इतनी क्या गई है, देखो इसके ना 15-20 दोस्त लोग आके कब से रुके हुए हैं, तो सुबह फटाफट चलो केक काटो, ये हम लोगों के लिए खाना वाना भी ऑर्डर कर दिया, बस मतलब केक काटना और भागेगा है ना। इधर मम्मी को वीडियो कॉल हो रहा है क्योंकि महाशय जा रहे हैं केक काटने। हैप्पी बर्थडे डियर राहुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये खुला दो भाई, खा लेने से मम्मी को भी खिला थोड़ा। मम्मी दे गदावा, क्या गदावा दे दे, कब आओगे अभी कल सुबह? नहीं नहीं, अब कब तुम्हारे दर्शन होंगे स्वामी? स्वामी आपके दर्शन कब होंगे? कल सुबह, अब मेरे को पता है अभी ये गए ना, तो फिर अभी कल सुबह ही आने वाला है। कितने दोस्त लोग हैं वहाँ पे? हाँ ब्लॉग करना, ब्लॉग करूँ? हाँ ये देखो यहाँ पे सब लोग आए, भाई साहब दो दो किए क्या बताओ, जो जो आए भाई सब लोग को थैंक यू दिल से, क्यों चुप रहा पीछे। अरे भाई मत धकेल मत, तो चलो केक काटते भाई साहब। तो
पनीर राई, नूडल सूप, चटनी और हमारी रोटी रहेगी साथ में। चलो हम लोग अभी फटाफट डिनर एंजॉय करते हैं, बर्थडे बॉय के बिना ही मजे लेते हैं खाने का, वो तो अपना मतलब फ्रेंड्स के साथ है। सो उसका बर्थडे सबके साथ बनता है, मतलब फ्रेंड्स, ससुराल, फिर मायका, उसका मायका, सबके साथ बर्थडे बनता है। सो वेरी लकी। और राइट गाइस, सो अभी हमारा डिनर वगैरह सब हो गया और राहुल तो खैर पार्टी कर रहे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। सो और एक बात, थैंक यू सो मच इतने सारे लोगों ने विश किया। सो आप लोग क्या करते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो सुनरा अकाउंट है उस पे सारे लोग मैसेज करते हो, तो वो हमारा दोनों का अकाउंट है और इंडिविजुअली जो राहुल का अकाउंट है वो यहाँ पे आ रहा होगा इंस्टाग्राम का, सो उसको भी जाके फॉलो करो। सो विद दैट्स इट, अभी आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, अभी कल उसके साथ एंड कर लेते हैं, अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सो या एंड थैंक यू सो वेरी मच, दिल से शुक्रिया आप लोग सब लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू।